प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आइए सभी प्रियजनों, हमारे भारत देश के वासी, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ के। देवी की कृपा को प्राप्त करें और जीवन को आनंदमय, मंगलमय और धनमय बना दें। दरिद्रता दुर्भाग्य से निजात पाएं और यदि आपकी कोई ग्रह वास्तु और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो निश्चिंत हो के आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे कॉल करें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल लगे और आपको सरल भाषा में, सरल शब्दों में उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जी अपना बेटा नाम बताइए। मनजीत कौर। मनजीत बेटा अपनी उम्र बताएं। 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माता का नाम है हरविंदर कौर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा अपनी इच्छा से विवाह किया था। समस्याएं बेटा बड़ी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। प्रेम विवाह तो आपका सफल हो गया लेकिन बेटा जब से आपका विवाह हुआ है परेशानियां भी आपके साथ साथ चल रही होंगी। कभी परिवार वालों का विरोध मिलता होगा और कभी बेटा बहुत ज्यादा घर में अशांति रहती होगी और थोड़ा सा आप काफी चिंतित दिखाई दे रही हैं। पति पत्नी के संबंधों में कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो रही है और कुछ बेटा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तंत्र बाधा भी दिखाई देती है मुझे। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ गुरुजी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अभी बेटा जहाँ आपका विवाह हुआ है परिवार वालों का कोई विशेष साथ नहीं मिल रहा जी? बेटा जहाँ विवाह करके आप घर में गए हो अपने पति के परिवार में उनका कोई ज्यादा सुख साथ नहीं मिल रहा बेटा? बिल्कुल नहीं गुरुजी, मुझे बहुत तंग करती है। मेरे खाने में भी अजीब अजीब तरह के बाल मिलते हैं। नहा सोती हूँ वहाँ पे कभी कपड़ा बंधा रहता है। गुरुजी आपके सिर से भी बेटा बाल ज्यादा टूटते हैं? हाँ जी गुरुजी। कभी कुछ शरीर में और शरीर के निचले हिस्से में घुटनों में पैरों में बहुत अधिक दर्द रहता है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो पिछले कुछ दिनों से बेटा कुछ पति से भी मतभेद चल रहा है आपका? हाँ जी वो, और 8 दिन से वो घर भी नहीं आ रहे। क्या कुछ झगड़ा हुआ था बेटा? बस घर के कलेश की वजह से लड़ाई रहती है। पति का बेटा पूरा नाम बताएं। पति का नाम प्रेमजीत कौर सिंह। कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा? उनसे हमारे 32 वर्ष।
तीन बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा एक दो मुखी रुद्राक्ष आने वाले बृहस्पतिवार को बेटा हल्दी का तिलक लगा के पीले धागे में गले में धारण कर लेना। गुरुवार के गुरुवार बेटा छोटे गरीब बच्चों को केले बांटा करो और मंदिर में चने की दाल दान किया करो। रोजाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनानी है बेटा, उस पर थोड़ा गुड़ रखकर रोजाना बेटा अपने हाथ से गाय माता को दिया करो। एक सुलेमानी बेटा रत्न आता है बेटा ब्लैक कलर का, उस पर व्हाइट रंग की बेटा लाइंस होती हैं, उसको बेटा कहीं से प्राप्त कर लो, उसको चांदी में बनवा के सदैव अपने कंठ में धारण कर लेना बेटा। कभी आपके ऊपर किसी तंत्र का जादू टोने का प्रभाव कभी नहीं होगा। और दूसरा बेटा आपको राहु और शनि की शांति करनी है और शुक्र को जागृत करना है। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने घर में या अपने बेडरूम में किसी बेटा जल के अंदर डाल के किसी कटोरी में जल भर के उसमें डाल देना, उसको अपने बेडरूम में कहीं भी छुपा के रख देना। अच्छा। ये उपाय बेटा आपको करने हैं। एक मंत्र दे रहा हूँ आपको, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का 108 बार बेटा रोजाना पाठ किया करो और थोड़ा मिश्री से मुंह मीठा किया करो, या परिवार में भी जो लोग आपसे अच्छी तरह बात करते हैं थोड़ा उनका भी मिश्री से मुंह मीठा करवा दिया करो। ये उपाय बेटा आप करिए, जीवन में आनंद आ जाएगा, पति भी लौटेंगे, घर में समृद्धि भी आएगी और आप पर किसी प्रकार का तंत्र का कभी कोई प्रभाव नहीं चलेगा। बड़े प्रेम से बेटा, हाँ बेटा बड़े प्रेम से तीन बार हरिओम बोल दो। हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए प्रिय दर्शकों एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा स्वागत है आपका, जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 22 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 1 से लेके 25 तक। अपनी माँ का नाम बताएं। देवी। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलिए। फोन पर बेटा बने रहिए। Thank you.
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो बेटा, वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं चल रही हैं बेटा, पति पत्नी में तनाव की स्थिति है, घर आपका नहीं बस पा रहा है, ऐसा हो रहा है बेटा? अभी बेटा कोई बिजली से संबंधित काम करते हो बेटा? बेटा अभी कोई बिजली उपकरण से संबंधित कार्य करते हो? बेटा ध्यान रखना, आने वाले 18 महीने कुछ बिजली से संबंधित कार्य में आपको थोड़ा बेटा संकट बड़ा आ सकता है आपके ऊपर। आपका शुक्र चंडाल दोष में है, पत्नी की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई देती, उसका संबंध कहीं और हो सकता है, इसीलिए बेटा वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। और जब से आपका विवाह हुआ है बेटा तब से आपको जीवन में सुख बिल्कुल नहीं मिला, जबकि परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है। आपको बेटा शुक्र चंडाल दोष की शांति करवानी है, और दूसरा बेटा राहु का विसर्जन अवश्य करवाएं योग्य विद्वान के द्वारा। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाएं, चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बहते पानी में प्रवाह करवाएं। इसके अलावा बेटा दो मुखी रुद्राक्ष आपको अपने कंठ में अवश्य धारण करना है, और किसी भी शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। रत्नों के अंदर एक गजेंद्र मणि रत्न लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण कर लेना, जीवन मंगलमय हो जाएगा, पत्नी अवश्य ही आपके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं, और यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप अभी फेसबुक पर जाके प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे पेज से जुड़ें, उसको लाइक करें, शेयर करें। इस कार्यक्रम को रोजाना लाइव आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर। शाम को 4:30 बजे आप जाएं, प्रभु दरबार हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए दर्शकों आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, स्वागत है बेटा आपका, जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी सोलन हिमाचल प्रदेश। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 49 ईयर। एक से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी सुखमणि। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा सब मंगल दिखाई दे रहा है बेटा, रोजगार में भी आपको लाभ अभी अवश्य मिल रहा होगा। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो?
गुरु जी, मैं आपसे एक साल से देख रहा था, मेरे को अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मेरा कैमिस्ट का दुकान था, आपने कुछ उपाय बुलाए थे, मैं उन उपायों को मैंने नियमित करा और आचार्य जी ने भी आपके कुछ उपाय बनाए थे वो सारे करे मैं, अच्छा लाभ प्राप्त हुआ मेरे को, जो भी ऊपरी था वो हट गया है, तो मैं आपको दिल शुक्रिया कहना चाहता हूँ गुरु जी, बस आप ऐसे ही कृपा का हाथ बनाए रखें गुरु जी। अब बेटा काम अच्छा, बेटी है तो मांगिक दोष है गुरुजी, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। काम अच्छा चल रहा है ना बेटा अब आपका? हाँ जी, आशीर्वाद गुरुजी आपका। बेटी का नाम बताओ। गुरुजी पूजा। कितने वर्ष की है गुरुजी? अभी वो 24 साल की है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक बार फिर से नंबर बोलिए बेटा। गुरुजी 13। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बच्ची गुस्सा भी बहुत करती है बेटा। जी गुरुजी करती है, थोड़ा बहुत सामान तोड़ने में माहिर है गुरुजी। बच्ची बेटा बड़ी इंटेलिजेंट है लेकिन मंगल दोष तो दिखाई पड़ता है। एक काम करना बेटा, किसी योग्य विद्वान से मिल लीजिए और एक बार इसका बेटा विवाह से पूर्व पीपल कुम और विष्णु से बेटा एक विवाह की प्रक्रिया पूजन अवश्य करवा लेना। दूसरा, वर्ष में एक बार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां 4 मंगलवार इस बच्ची ने मंदिर में दान करनी है। रोजाना बेटा छोटे गरीब बच्चों को थोड़ा सा गुड़ चना बेटा अपने हाथ से बांटें, जिससे मंगल का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 2 तांबे के बराबर साइज के सिक्के लेने हैं, सुराख वाले। 1 सिक्का बेटा मंगलवार को शहद लगाकर जल प्रवाह करना है और दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आपकी बेटी ने कंठ में मंगलवार को सूर्योदय काल में धारण करना है। ये उपाय बेटा आप अवश्य करवाना, जिससे मंगल का दोष समाप्त होगा। और चिंता नहीं करना बेटा, बच्ची आगे सफल होगी, सुखी रहेगी और एक अच्छा वैवाहिक जीवन इसका अवश्य होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, सदा आपका कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। कंचन पांडे। कंचन पांडे बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गुजरात से। अपनी उम्र बताइए। उम्र 45 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 21। अपनी माताजी का नाम बताओ बेटा। वैजयंती मिश्रा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको बृहस्पति और केतु का ऋण है, संतान ऋण से पीड़ित हो। कुछ संतान को लेकर बेटा परेशान रहते हो बेटा? हाँ गुरुजी। बेटा भी है आपका? हाँ बेटा है। बड़ी समस्याएं उसके जीवन में दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? विशाल। कितने वर्ष का है? 27 साल में है सर। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय उच्चारण करो। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा बेटा तो वैसे बुद्धिमान है लेकिन मन का मालिक है बेटा। सफलता नहीं मिल रही है, शुक्र पीड़ित है, शुक्र पर पितृदोष दिखाई पड़ता है जिसके कारण इसके वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी आगे अड़चने दिखाई दे रही हैं। विवाह में बाधा और विवाह के बाद काफ़ी असकून भरा जीवन रहेगा। दूसरा, ये बच्चा जीवन में जल्दी से सफल बेटा नहीं हो पाएगा। अभी बेटा कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा बच्चे को जीवन में। हाँ, और दूसरा बेटा मुझे ये बताओ, अभी इसका कहीं बेटा रिश्ता पक्का किया है? हाँ जी गुरुजी। क्या चाहते हो बेटा बोलिए। वही मतलब इसका, इसके अंदर क्रोध बहुत है गुरुजी, गुस्सा बहुत है। क्रोध को ठीक कर दें बेटा इसके। बेटा इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, शनि और मंगल का शांति विसर्जन आपको करवाना। ये दोनों ग्रह इसके क्रूर हैं और इसको उत्तेजित और क्रोधित करते हैं। आगे चल के ये बच्चा जीवन में सफल हो थोड़ा पितृ ऋण की शांति करवाएं। शुद्ध पीतांबरी पुखराज और शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन इस बच्चे को कंठ में धारण करवाना है और योग्य विद्वान से बेटा शनि मंगल महाशांति विसर्जन प्रक्रिया अवश्य करवाएं। वर्ष में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ मंगलवार को गौशाला में देना है और वर्ष में एक बार 7 प्रकार का अनाज शनिवार को, वो भी बेटा आपने किसी वृद्ध मांगने वाले को या किसी शनि मंदिर में या किसी भैरव मंदिर में आपको दान करना है। रोजाना घर में बेटा 3 पराठे रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। एक गाय को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौओं को डालना। ये उपाय बेटा करना शुरू कर दीजिए। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। जिस बेड पे बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। रात को बेटे ने दूध और दही का उपयोग नहीं करना। घर में ऐसे जूते चप्पल इकट्ठे नहीं करने जो आप लोग यूज नहीं करते हो बेटा। उपाय कर लेना, बहुत जल्दी बेटा जीवन में लाभ होगा, बच्चा शांत होगा, सफल होगा, सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। गुरुजी रिया कश्यप। बेटा स्वागत है कार्यक्रम में, अपनी उम्र बताएं। 25 वर्ष गुरुजी। कहां से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर एमपी से। अपनी माँ का नाम बोलिए। सुनीता कश्यप। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम बेटा, आप काफी इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो और जीवन में अवश्य ही बहुत तरक्की करोगे। लोग आपसे बेटा ईर्ष्या बहुत करते हैं बेटा। जी बिल्कुल गुरु जी, ठीक। शत्रु आपके ज्यादा हैं, किसी के लिए अच्छा करते हो, किसी से दोस्ती करते हो, लोग आपकी दोस्ती का फायदा उठाते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई होती है। जीवन में अच्छे मित्र भी नहीं मिलते आपको। जी बिल्कुल गुरु जी। क्या बेटा भविष्य में क्या बनना चाहते हो बेटा? गुरु जी वैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ गुरु जी। अवश्य बेटा मेडिकल लाइन में अवश्य तैयारी करो, आप जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। इसके लिए बेटा आपको बुध शुक्र और सूर्य के थोड़े उपाय करने हैं। रोजाना बेटा सूर्य को जल दिया करो और 5 रविवार मंदिर में आपको बेटा गेहूं दान करनी है यथाशक्ति। गेहूं? हाँ, शुद्ध पन्ना और बेटा ओपल रतन आपको बेटा बनवा कर अवश्य धारण करना है, ये हमेशा पहनना। इससे बुद्धि प्रवीण रहेगी, चित्त शांत रहेगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओगे। रोजाना बेटा माथे पर बेटा आपको हरिद्रा का यानी हल्दी का तिलक रोज लगाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक और उपाय दे रहा हूँ बेटा, जिसको करने से आपको शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोजाना बेटा किसी कुत्ते को बेटा थोड़े बिस्कुट या दूध वगैरह रोज खिला पिला दिया करो, इससे बेटा केतु भी शांत रहेगा और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वो अपने आप आपको, आपके लिए उनका मन बदल जाएगा, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। कभी बेटा जीवन में तामसिक भोजन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना और जीवन में कभी कॉकटेल पार्टी में हिस्सा मत लेना बेटा। इन बातों का बेटा बड़े ध्यान से उपाय करना, बेटा जीवन में सफल हो जाओगे और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोलो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल्याण हो। प्रिय दर्शकों आज के लिए इतना ही, कल इसी समय आपकी सेवा में हाजिर होंगे। माँ देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सब पर कृपा बनाए रखे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।